सर्दी के मौसम में खांसी जुकाम होना बहुत ही कॉमन है। मौसम में बदलाव या शरीर में इम्यूनिटी की कमी, वायरल फ्लू या बढ़ता हुआ पोल्यूशन, वजह जो कोई भी हो, खांसी से तो हर बंदा इरिटेट ही हो जाता है। बट देर इज नथिंग एक्चुअली टू वरी अबाउट इट। आज हम शेयर करेंगे आपके साथ कुछ ऐसे हर्ब्स एंड स्पीसेस जो आपको हर तरह की खांसी से कम्प्लीटली प्रोटेक्ट करेगी। चलिए जानते हैं। वेलकम टू माई चैनल संजना फैक्ट्रिएशंस। जब खांसी महसूस होने लगी तब पहले हनी यानी शहद ले। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को खत्म करते हैं। मोर ओवर गले में मौजूद रिसेप्टर्स जो कि किसी भी इरिटेंट्स की वजह से इरिटेट होकर कफ को पैदा करते हैं, उन्हें भी शहद रोक देता है। नेक्स्ट मूव टू अवर सेकेंड हर्ब, जिंजर यानी अदरक। ये भी थ्रोट इन्फ्लेमेशन को रोकता है बट डिफरेंट मेथड से। ये बॉडी में मौजूद इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन जो कि गले का पेन, इचिंग एंड बर्निंग वगैरह खत्म कर देता है। इससे आपको सोर थ्रोट का मसला भी काफी हद तक सॉल्व हो जाता है। हमारा तीसरा हर्ब है टर्मरिक यानी हल्दी। हल्दी को घर का डॉक्टर भी कहा जाता है क्योंकि इसमें पाए जाने वाले क्रीनियम कॉम्पाउंड बॉडी में हर तरह की इन्फ्लेमेशन को खत्म करने में मदद करते हैं। मोर ओवर ये आपके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट को इम्प्रूव करते हैं और तो और बॉडी में इम्यूनिटी को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बनाते हैं जो कि इवेंचुअली आपको हर डिसीज से प्रोटेक्ट करता है। लेट्स मूव टू अवर फोर्थ स्पाइस दालचीनी। इसकी तासीर गर्म होती है जो आपके गले की जलन को दूर करने में बहुत इफेक्टिव होती है। सिनेमन में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स को ऐड करते हैं। दालचीनी के अलावा बड़ी इलायची, काली मिर्ची, मलाइथी भी हमें बहुत इफेक्टिव होते हैं जो कि रेस्पिरेटरी हेल्थ को सपोर्ट करते हैं और आपके गले से खांसी को दूर भगा देते हैं। इस तरह भी कर सकते हो आप, इन सब इंग्रेडिएंट्स का पाउडर बनाकर रख लीजिएगा। तब भी आपको खांसी महसूस होने लगे, ये पाउडर में हनी ऐड करके दिन में 2 से 3 बार पी लीजिए। इसके साथ आप एक ग्लास वार्म वाटर भी पी लीजिएगा, आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। फाइनली वी गेट रिड ऑफ दैट इरिटेटिंग कफ। इसके साथ हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।